दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला की तरफ से आने वाले एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। मोटोरोला की तरफ से मोटो जी सीरीज का नया स्मार्टफोन मोटो जी 20 आपको बहुत जल्दी इंडिया में मिल सकता है। ये वाला जो स्मार्टफोन है यूरोप में लॉन्च हो चुका है, अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ में लॉन्च हुआ है, अच्छे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है और मोटोरोला की जो इंडिया को 2021 में लेकर के स्ट्रेटेजी है काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है भाई, क्योंकि जो जी सीरीज के नए स्मार्टफोन हमको इंडिया में देखने के लिए मिल रहे हैं काफी बढ़िया प्राइस पॉइंट पर लाए जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है जैसा पहले आज से साल डेढ़ साल पहले हुआ करता था कि भाई मोटोरोला का कोई फोन लॉन्च हुआ है उसको अपन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते थे कि भाई ओवर प्राइस फोन लॉन्च किया गया है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन अब वो दिन चले गए भाई, मोटोरोला की तरफ से जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज कर दिया गया है, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किए जा रहे हैं। मोटो जी 10 पावर ऑलरेडी अवेलेबल है, मोटो जी 30 अवेलेबल है, जी 40 फ्यूजन अभी लॉन्च हुआ है, जी 60 लॉन्च हुआ है, जी 50 भी लॉन्च हो सकता है, जी 100 डेफिनेटली लॉन्च होगा और जी 20 भी लॉन्च होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटोरोला जी 20 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिल सकते हैं, किस प्राइस पॉइंट पर ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है और ओवरऑल कैसा रहेगा फोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, लेकिन बातचीत को स्टार्ट करने के पहले शॉर्ट में मन की बात कर लेते हैं। चैनल के ऊपर एक मेगा गिव अवे चल रहा है जिसमें 5 गेमिंग हेडसेट्स का गिव अवे होने वाला है और उसका जो विनर है वो बहुत ही जल्दी 1 मई 2021 को डिक्लेयर होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो पार्टिसिपेशन वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना। हो सकता है आप वो लकी विनर हो भाई जिसको 5 में से 1 गेमिंग हेडसेट गिफ्ट में मिले, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना। यहां पर बात करते हैं G20 के बारे में और स्टार्ट करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से। बिल्ड क्वालिटी में मोटोरोला को अभी भी भाई थोड़ा सा स्टेप अप करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड ही मिल रही है। G60 में भी प्लास्टिक बिल्ड मिली है, G100 में भी प्लास्टिक बिल्ड मिली है, तो G20 में तो आपको प्लास्टिक बिल्ड ही मिलना है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक की फ्रेम, फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है मोटोरोला ये भी नहीं बताता भाई। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको डिसेंट मिल जाती है, IP53 की यहां पर आपको रेटिंग मिलती है, मतलब डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ फोन रहने वाला है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है। डिजाइन की अगर बात करें तो मोटोरोला के फोन्स के डिजाइन में कभी कुछ आपको नया देखने को नहीं मिलेगा भाई, वही टॉप लेफ्ट में आपको रेक्टेंगल शेप में कैमरा सेटअप दिया गया है, उसी के नीचे आपको मोटोरोला की ब्रांडिंग मिलती है जो कि अपने आप में फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी काम करती है। फ्रंट में अगर बात करें तो यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, ठीक ठाक साइज का यहां पर आपको चिन मिल जाता है। दो कलर्स में आपको फोन मिलेगा, ब्लैक कलर में और पिंक कलर में, दो कलर्स में फोन दिया गया है, तो दिखने में फोन ठीक ठाक है भाई और बिल्ड क्वालिटी भी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाती है। उसके बाद में अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहां पर आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आता है, HD+ रेजोल्यूशन यहां पर दिया गया है, तो यहां पर भी थोड़ा सा इस चीज को बेटर करने की जरूरत है। यहां पर आपको 6.5 इंचेस का HD+ रेजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल दिया गया है जो कि 20:9 के एस्पेक्ट रेशो के साथ में आता है। 270 PPI की यहां पर आपको पिक्सल डेंसिटी मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो यहां पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा स्मूथ रहने वाला है। 90 हर्ट्ज का पैनल यहां पर दिया गया है, लेकिन भाई जो डिस्प्ले है वो HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ओवरऑल डिस्प्ले की अगर बात करें तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहां पर आपको ठीक डिस्प्ले मिल जाता है। उसी के बाद में अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहां पर आपको एकदम ही नया प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है। ये जो प्रोसेसर है अभी तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लिस्ट नहीं हुआ भाई, यहां पर आपको दिया गया है यूनिसॉक की तरफ से आने वाला टाइगर 700 चिपसेट। T700 जो चिपसेट है भाई ये 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी यहां पर आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, हीटिंग का इशू भी यहां पर आपको मिल सकता है, थोड़ा सा फोन आपका गर्म हो सकता है। और परफॉर्मेंस की अगर बात करें, रॉ CPU परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहां पर आपको ऑक्टाकोर CPU दिया गया है, जहां पर आपको 2+6 की बिगलिटी अप्रोच मिलती है, 2 कोर A75 वाले मिलते हैं, 6 कोर A55 वाले दिए गए हैं, तो CPU आर्किटेक्चर अच्छा मिलता है, 2.0 GHz की पीक क्लॉक स्पीड मिलती है, तो आपकी जो डे टू डे की परफॉर्मेंस है वो बढ़िया यहां पर निकल जाएगी। और गेमिंग के लिए ARM Mali G52 MC3 GPU यहां पर आपको दिया गया है, MC2 दिया गया है, डुअल कोर या ट्राइक्लोर GPU दिया गया है, तो मेरे हिसाब से GPU भी यहां पर आपको अच्छा दिया गया है, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी आपको बढ़िया मिल जाएगी और शायद 850 MHz पर इसको क्लॉक किया गया है। इस चीज को लेकर के मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस चिपसेट की जो इन्फॉर्मेशन है इसकी खुद की वेबसाइट पे भी अवेलेबल नहीं है भाई, लेकिन यहां पर जो चिपसेट ओवरऑल अगर देखा जाए गेमिंग की परफॉर्मेंस
या आप डे टू डे की परफॉर्मेंस देख लो तो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाएगी। और इस चिपसेट को अगर कंपेयर करें तो 662 स्नैपड्रैगन 662 ले लो या फिर मीडियाटेक हीलियो G80 चिपसेट की परफॉर्मेंस के आसपास देख लो तो कुछ वैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट G70 वाली परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिल जाएगी। LPDDR4X रैम यहाँ पर दी गई है और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज दिया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस से आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली है, कंसिडरिंग प्राइस पॉइंट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा। कैमरास की अगर बात करें तो मोटोरोला की तरफ से भाई कैमरास में काफी इंप्रेसिव काम किया जा रहा है अभी, चाहे वो G30 की बात कर ले जहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया था या फिर हम G60 की बात कर ले जहां पर हमको 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पर प्राइमरी कैमरा ऑब्वियसली 48 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। उसी के साथ में अगर बात करें तो 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर और फ्रंट में यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ओवरऑल अगर एज अ बंच आप कैमरा सेटअप को देखोगे तो कैमरा सेटअप प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया दिया गया है। यहां पर आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है, यहां पर आपको मैक्रो भी मिल जाता है, हालांकि 2-2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, लेकिन भाई 10,000-12,000 के प्राइस पॉइंट पर आप वो शिकायत नहीं कर सकते हो 2 मेगापिक्सल वाली। मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। उसके बाद में बैटरी की अगर बात करें, 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलती है, अच्छे साइज की बैटरी दी गई है। उसी के अलावा अगर चार्जिंग की बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है ये 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है, तो ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि इस चीज को बेटर किया जाना चाहिए था। भले ही से बॉक्स में आप 10 वॉट का चार्जर दे दो लेकिन एटलीस्ट 20 वॉट की चार्जिंग को फोन अगर सपोर्ट करता तो ज्यादा अच्छी बात रहती। बाहर से चार्जर खरीद के अपन भाई इसको फास्ट चार्ज कर लेते हैं, लेकिन यहां पर आपको 10 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। अच्छी बात यह है कि चार्ज करने के लिए यहां पर आपको टाइप सी वाला पोर्ट दिया गया है, हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm का खड्डा 3.5mm जैक दिया गया है इस फोन के अंदर, उसको गायब नहीं किया गया है। उसी के अलावा रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है जो कि मोटोरोला का जो डिंपल पड़ता है फोन के पीछे उसमें घुसड़ा गया है, तो रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर आपको मिल जाता है। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, चुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, सेंसर में कोई कमी नहीं मिलने वाली है, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट, लाइट सेंसर, फलाना ढिकाना, सारे सेंसर आपको मिल जाएंगे, कोई कमी यहां पर नहीं करी गई है। उसके अलावा अगर बात करें सॉफ्टवेयर वेरिएंट की तो यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स फोन मिलेगा एंड्रॉइड 11 के ऊपर, और मोटोरोला का आपको भाई खासियत पता है कि यहां पर आपको नेक्स्ट टू स्टॉक वाला एक्सपीरियंस मिलता है, हालांकि स्टॉक एंड्रॉइड यहां पर आपको नहीं मिलता है लेकिन एक्सपीरियंस जो रहता है वो आपका स्टॉक एंड्रॉइड वाला ही रहता है। साथ ही साथ माई यूएक्स यहां पर मिलता है जो कि आपको हल्के फुल्के कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी दे देता है, तो ये काफी अच्छी बात है। ब्लोटवेयर्स यहां पर आपको नहीं मिलते हैं, एड्स यहां पर आपको नहीं मिलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो स्नैपी रहता है, क्लीन रहता है, तो ये एक मोटोरोला का यूएसपी भाई कि यहां पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है। उसी के अलावा अगर बात करें यहां पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी का स्लॉट नहीं मिलने वाला है, यहां पर आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया जाएगा, मतलब या तो आप 2 सिम कार्ड लगा लो या एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड अपने फोन के अंदर घुसड़ सकते हैं, तो ये एक थोड़ा सा इंडियंस के लिए ड्रॉबैक रहता है क्योंकि भाई अभी भी बहुत सारे इंडियंस जो है वो होमवर्क पढ़ते हैं, अपना स्टडी मटेरियल को रोज एंजॉय करना पसंद करते हैं, तो उनको डेडिकेटेड स्लॉट चाहिए रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। उसी के अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपको सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशन देखे जाए तो फोन के स्पेसिफिकेशन काफी अच्छे दिए गए हैं, हालांकि चिपसेट का नाम शायद आप लोगों में से बहुत सारों ने नहीं सुना हो क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करी है और जैसे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आएगी आपको अपने चैनल के ऊपर मिल ही जाएगा भाई, क्योंकि अपन तो चिपसेट के लिए तो एकदम पागल टाइप से रहते हैं। लेकिन भाई ओवरऑल अगर स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए तो अच्छे स्पेसिफिकेशंस है। वेरिएंट्स की अगर बात करें तो 2 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च हो सकता है, 4GB+64GB, 4GB+128GB, और 4+64 का जो यूरोप में प्राइस रखा गया है वो है लगभग 13,000 रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से, मैंने यूरो टू इंडियन में कन्वर्ट पहले ही कर लिया है, तो 13,000 रुपए के आसपास पड़ता है। अब यूरोप का जो प्राइस रहता है वो आपको पता है भाई ज्यादा रहता है, इंडिया में आता है तो कम में आता है। मेरे हिसाब से ये वाला स्मार्टफोन आपको 10,000 के अंदर इंडिया में देखने के लिए मिल सकता है, 10,000 या ज्यादा से ज्यादा 10,500 के आसपास तक जा सकता है, उससे ज्यादा ये फोन आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। और परफॉर्मेंस आपको मैंने जैसा बोला G70 के आसपास की निकाल के देने वाला है, कैमरा अच्छा मिल जाता है, 90 हर्ट्ज का पैनल यहां पर दिया गया है, तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन फोन के काफी अच्छे दिए गए हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है इन स्पेसिफिकेशन के साथ में ये वाला स्मार्टफोन इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होना चाहिए, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।